Dear students, good morning. Today we will start from page number 34. In our last class, we have discussed that how we add two numbers by splitting. कि कैसे तोड़ के स्प्लिट करके नंबर्स को ऐड करते हैं, ये हमने पिछली क्लास में किया था. ध्यान हो तो आपको ये वाला सम हमने किया था. अब देखिए कैसे आगे भी यही ऐसे दिए हुए हैं कि स्प्लिट करके कैसे हम करते हैं ऐड टू नंबर्स को. अब देखिए कैन यू डू इट अनदर वे, से हाउ. 33 + 56 है. 33 + 56 को जब हमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे. 33 को स्प्लिट कर लेंगे कैसे, 30 + 3 में, ठीक है, और प्लस में लगाया बीच में 56 है. उसके बाद 50 को भी ब्रेकअप कर लेंगे किस में, 50 + 6 में, ठीक है. ऐसे ऐसे सीधी लाइन में लिखेंगे. उधर तो हमने ऐसे वर्टिकली लिखा था ना, ऐसे लिखा था नीचे की तरफ. अब हम नीचे की तरफ नहीं लिख रहे, हम ऐसे लिखते जा रहे हैं एक लाइन में, ठीक है. अब 30 + 50 कितना हो गया, 80, ठीक है. और फिर 3 + 6 कितना हो गया, अब नेक्स्ट लाइन में हमने जोड़ा 3 + 6 = 9, तो 80 + 9 कितना हो गया, 89, ठीक है. इस तरह से ऐड करना है. नेक्स्ट देखिए, सी इफ यू कैन डू द सेम विद दीज सम्स, कि देखिए कि इस सम्स के साथ भी कैसे कर सकते हैं आप. 37 + 22 वही फिर से स्प्लिट कर लिया, 37 को 30 + 7 में और 22 को 20 + 2 में. फिर 30 और 20 को ऐड किया पहले, 50 आ गया, है ना. 7 और 2 को एज इट इज लिखा भी स्टेप में. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 7 and 2 = 9 हो गए. 50 + 9 कितना हो गया, 59. 50 का 50 उतार लिया ना, और 7 और 2 को ऐड किया, 9 हो गया. 50 + 9 = 59. ऐसे ही नेक्स्ट में 73 को स्प्लिट कर लिया 70 + 3 में, 24 को 20 + 4 में. फिर 70 और 20 कितना हो गया, 90. 3 और 4 ऐसे कैसे लिखें अभी, 3 + 4 नेक्स्ट लाइन में जोड़ के लिखेंगे, ऐड करके लिखेंगे. यहाँ पे कितना आ गया, 90 एज इट इज. और 3 और 4 कितना आ गया, 7. फिर 90 + 7 कितना हो गया, 97, है ना. इस तरह से ये करना है. अब है देखिए, मैंगो चिली गेम. रोल ए पेयर ऑफ डाइस एंड मूव बाय एडिंग द नंबर्स दैट कम ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है. कीप ए डिफरेंट कलर बटन फॉर ईच प्लेयर. इफ यू रीच ए मैंगो यू गो फॉरवर्ड. अच्छा, ये इसके लिए बता रखा है. देखिए जो आपको ये पेज की यहाँ दे रखा है ना, एक गेम दे रखा है, 1 से स्टार्ट किया हुआ है. यहाँ से 1 2 3 ऐसे स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है. जैसे वो आप खेलते हो ना, लूडो खेलते हो, वैसा गेम है ये, ठीक है. ये आप खुद करके देखना. अब नेक्स्ट पे आ जाइए, देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए. 56 + 21. अब इसको भी स्प्लिट कर लेना है, ब्रेकअप कर लेना है. 56 को हम ब्रेक करेंगे तो 50 + 6, ऐसे 21 को ब्रेक करेंगे तो 20 + 1, यहाँ 1 लिखेंगे. अब देखो 50 और 20 कितना हो गया, 70, और यहाँ कितना बच गया, 6 और 1. 6 और 1 = 7. अभी यहाँ पे तो 6 और 1 ही लिखेंगे एज इट इज, पहले 6 और 1, नेक्स्ट लाइन में हम जोड़ेंगे 70 + 7 = 77, ठीक है. इस तरह से आंसर आ जाएगा. अब देखिए क्या कह रहा है, 56 + 21 56 + 20 + 1. ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे, देखो एक तरीका और भी है कि 56 में 1 को ऐड कर दो तो 57, और प्लस 20, 57 + 20 कितना, 77. आई कैन डू इट दिस वे ऑल्सो, इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ. तो डिफरेंट वेज होते हैं एडिशन के, वो आपको दिमाग में भी करना आता है, अब तो आपको आता है आई थिंक. नाउ वर्क आउट द स्टेप्स इन योर माइंड, राइट द आंसर्स डायरेक्टली इन द बॉक्सेस. अब माइंड में ही करना. देखो अब ये बोल रहे हैं ना, अब देखो 30, अब हम क्या करते हैं, हम एक तो तरीका ये होता है कि हम जो वंस प्लेस है उसको ऐड करते हैं पहले. 3 + 2 = 5 हो गया, 5 हो गया. फिर टेंस प्लेस वाले को ऐड कर दो, 4, मतलब जो पहले किस राइट वाले को ऐड किया, अब लेफ्ट वाले को ऐड करेंगे. पहले राइट और राइट दोनों राइट वाले को ऐड किएंगे. जैसे 3 राइट में है, इधर राइट में कौन है, 2 है, तो 3 और 2 को ऐड किया तो 5 आ गया. अब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा. इस तरह से आप दिमाग में भी कर सकते हैं, ठीक है. एक तरीका और भी है कि आप पहले ये कर दो कि 30 और 40 कितना हो गया, 70, और 70 हो गया, और ये 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 75. इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे 33 + 27, 7 और 3 = 10, 0 आ गया, 1 कैरी हो गया. ध्यान रखना है
थ्री प्लस टू फाइव और एक कैरी था सिक्स हो गया है ना। इस तरह से आपको करना है ठीक है, ये सारे ऐसे ऐड करने हैं, ये अब खुद करके ट्राई करना ठीक है और फिल करना बुक में। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, देखिए लेट मी टेल यू ए स्टोरी। वंस ए बेबी लॉयन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। एक दिन एक बेबी, जो लॉयन का बच्चा है, बेबी कब यानी कि कब बोलते हैं ना बेबी लॉयन को, अपना रास्ता भूल गया जंगल में। ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया ठीक है, एंड कॉल्ड आउट फॉर हिज मदर, और अपनी मदर के लिए चिल्लाने लगा। एंड ओल्ड डियर टुक पीटी ऑन हिम, एक जो बूढ़ी और डियर थी उसने उसके ऊपर दया दिखाई ठीक है। और ही, अच्छा ये जेंट है, मेल है, अच्छा एक बूढ़े डियर ने उसके ऊपर दया दिखाई। ही टुक हिम टू हिज प्लेस, वह उसको अपने जगह ले आया ठीक है, अपनी जगह जहाँ वो रहता था। बट द अदर डियर गोट रियली स्केयर्ड, लेकिन जो दूसरे डियर थे वो सच में डर गए ठीक है। सो डिड देयर अदर फ्रेंड्स, और उसके ऐसे दूसरे फ्रेंड्स भी जो थे जैसे रैबिट, स्क्वायरल्स एंड बर्ड्स, वो भी डर गए ठीक है। ए लॉयन अमंग अस, ऐसे बोलने लगे ओह नो, अरे एक लॉयन हमारे बीच में है ठीक है, यही बोल रहे हैं। ए लॉयन अमंग अस, ओह नो, एक लॉयन हमारे बीच में है, अरे नहीं। ही विल ईट अप आवर बेबीज, वे हमारे बेबीज को खा जाएगा। द ओल्ड डियर सेड, जो बूढ़ा डियर था उसने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल वार्न हिम अबाउट हिस दिस, मैं उसको इसके बारे में चेतावनी दे दूंगा। इन द मॉर्निंग द बेबी लॉयन थैंक्ड एवरी वन, सुबह के समय जो बेबी लॉयन था, कब था, उसने हर एक को धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड टू लीव, और चलने के लिए, जाने के लिए शुरू हो गया, मतलब स्टार्ट कर दिया ठीक है, चलने के लिए तैयार हो गया एक तरह से। बट रैबिट सैड, लेकिन रैबिट ने कहा वेट, इंतजार करो, ही कैन नॉट गो लाइक दिस, इस तरह से वो नहीं जा सकता ठीक है। लेट अस काउंट टू सी, हम काउंट कर लेते हैं ये देखने के लिए कि दैट ही हैज डन एनी मिसचिप, कि इसने कोई मिसचिप मतलब गलत बिहेवियर तो नहीं किया है, मतलब इसने कुछ खा तो नहीं लिया किसी को ठीक है। वी शुड बी 240 ऑल, हमें टोटल कितने होने चाहिए, 240 होने चाहिए। लेट्स काउंट, चलो गिनते हैं। अब देखो टीलू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर, टीलू ने काउंट किया किसको, रैबिट्स को, डियर को। देर वर 27 रैबिट्स एंड 48 डियर ठीक है। और द ओल्ड डियर, जो बूढ़ा डियर था, उसने काउंट किया बर्ड्स को, स्क्वायरल्स को। देर वर 124 बर्ड्स एंड 38 स्क्वायरल्स। अब देखिए लेट्स एड, अब एड करते हैं एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डियर एंड रैबिट्स वर देयर। अब देखिए नंबर ऑफ डियर कितने हैं, 48 बोला था ना अभी पीछे ठीक है। नंबर ऑफ रैबिट्स 27, अब ऐड करना है। अब इसको ऐड करने का एक तरीका है, देखो 40 के लिए 10 स्क्वायर्स लिखे हैं ना, और पिछले चैप्टर में भी हमने किया था ना कि 10 को हम स्क्वायर मान लेते हैं और 1 को ट्रायंगल्स। 20 के लिए 2 स्क्वायर्स, अब जो 8 है उसके लिए 8 ट्रायंगल्स लिख लिए ठीक है, 7 ट्रायंगल्स यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए जो ये ट्रायंगल्स है ना, ये क्या है, ये 10 से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ठीक है। तो 10 को नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 10 जो 10 है उनको काट के 10 ट्रायंगल्स को हटा दिया और एक स्क्वायर बना दिया, यानी कि पहले क्या थे 4 और 2 4 मतलब 4 स्क्वायर थे, यानी कि 40 थे और 4 स्क्वायर थे, और यहाँ पे 2 स्क्वायर थे तो 6 स्क्वायर हो गए टोटल, यानी कि 60 थे और एक स्क्वायर और बढ़ गया, यहाँ पे इनको हटा के एक स्क्वायर बना लिया तो 70 हो गए। बच गए कितने यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 बच गए, यानी कि 75 हो गया टोटल। नेक्स्ट स्टेप में दिखाया हुआ इन्होंने, देखिए यहाँ पे 7 हो गई है और ये 5 है तो 75 हो गई, यही कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए पुट ऑल द ट्रायंगल्स टुगेदर वी गेट 15 ट्रायंगल्स, 10 ट्रायंगल्स मेक 1 स्क्वायर 10 एंड वी आर लेफ्ट विद 5 ट्रायंगल 1 ट्रायंगल्स ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट में देखिए, नाउ पुटिंग टुगेदर ऑल द टेंस वी गेट 7 ट्रायंगल 7 स्क्वायर्स ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट्स इक्वल टू 75, तो टोटल कितने आ गए, 75 आ गए है ना। नेक्स्ट पेज पे देखिए, सिमिलरली वी ऐड द नंबर्स ऑफ बर्ड्स एंड नंबर्स ऑफ स्क्वायरल्स। अब इस केस में हमने किस किस को ऐड किया, नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायरल्स को। नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं 120 एंड नंबर ऑफ स्क्वायरल्स कितने 38 ऐड कर दिया।
वैसे सेम प्रोसीजर से हमने ऐड किया, ठीक है। 100 के लिए क्या लगाना होता है, सर्कल, ठीक है, और टू स्क्वायर लगाए हमने पहले, टू स्क्वायर और थ्री स्क्वायर लगाए इसके लिए। लेकिन जो अब ये जो ट्रायंगल बन गए यहाँ पे, 4 ट्रायंगल और 8 ट्रायंगल, 10 से ज़्यादा हो गए, तो 8, 10 के लिए हमने एक वो ले लिया स्क्वायर, ठीक है, तो बन गया। अब 2 बच गए यहाँ पे ट्रायंगल्स ओनली, 2 ट्रायंगल्स बच गए। अब ये देखो ऐसे बच गए, 1 तो सर्कल और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बच गए स्क्वायर, ठीक है। तो 1 सर्कल के लिए 100 के नीचे यहाँ पे पता है ना क्या होता है, 1s, 10s और 100, 1s, 10s, 100, ठीक है। अब 1s पे 1s कितने हैं यहाँ पे, 2 ही 1s हैं, और 100 10s कितने हैं, 6 10s हैं, और 100s कितने हैं, 100 है ना, ज़्यादा 100 नहीं है, 1 ही है, ठीक है। तो ऐड हो गया 162 आ गया टोटल। सो टुगेदर बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स वर 162 एंड डियर एंड रैबिट्स वर 75। अभी पीछे पेज पे हमने कैलकुलेट किया था, 75 था, है ना। अब देखिए द ओल्ड डियर सेड, ओल्ड डियर ने कहा वी वर 240 नंबर, हम 240 थे नंबर में। नाउ हाउ मैनी आर वी इन ऑल, अब हम कितने हैं टोटल, कैन यू गैस नाउ। अब देखो गैस कर सकते हैं, 2 और 5 से दिख रहा है कि कम हो गए हैं, 7 आ रहा है। कैन यू गैस नाउ इफ द बेबी लॉयन विल गो बैक होम, हैज द बेबी लॉयन ईटन अप एनी एनिमल, की गैस कीजिए। अब गैस कर सकते हैं आप कि जो बेबी लॉयन है जो घर जाएगा अब, ठीक है, जा पाएगा क्या वो, क्योंकि जो बेबी लॉयन है उसने क्या कर चुका है वो, अब हैज क्या बेबी लॉयन एनिमल को खा चुका है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। आप देखिए इसको ऐड करना पड़ेगा, टू फाइंड आउट डू द एडिशन इन द बॉक्स बिलो। अब नंबर ऑफ बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स को ऐड करके कितना आया था, 162 आया था, तो यहाँ पे 162 लिखेंगे, यहाँ पे 162 लिखेंगे, ठीक है। और डियर एंड रैबिट को कैलकुलेट करके कितना आया था, 75 आया था ना, तो 75 लिखेंगे और फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये खुद करना है, ऐड करना है आपको बुक के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, हाउ मैनी बल्ब्स, ए फैक्ट्री में 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन एक फैक्ट्री में 270 बल्ब बनाए गए। ऑन द सेकंड डे इट मेड 123 बल्ब, सेकंड डे 123 बल्ब्स बनाए गए। पूछ रहे हैं हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टुगेदर, कि दोनों दिनों में मिला के उसने कितने टोटल बल्ब बनाए फैक्ट्री में, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। वही दोबारा से वही लिखा, फर्स्ट डे इतने बल्ब, सेकंड डे इतने बल्ब्स। अब देखो 270 प्लस 123 इज द सेम मोर देन 350, यस ज़्यादा ही होगा, क्योंकि देखो 270 और 100 को ही मिला के 350 हो रहा है ना, 350 हो रहा है और ज़्यादा है ये, सॉरी 370 हो रहा है, 270 प्लस 100 को अगर मिला देंगे, 270 प्लस 100 है ना, 100 से तो ज़्यादा ही है, तो 370 हो जाएगा टोटल, और 370 से तो ज़्यादा ही होने वाला क्योंकि 23 भी हैं, और ये पूछ रहे 350 से ज़्यादा है, यस ज़्यादा है 350 से, तो 370 से ज़्यादा है, ठीक है। अब यही कह रहा है, और गैस लेस देन 350, आई थिंक 270 100 इज 370, दोनों को ऐड कर देंगे तो 370, जैसे मैं बता रही थी, द सम इज मोर देन 350, जो सम है वो 350 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब देखो सम, एक्चुअल सम निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बल्ब। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये मैं कॉपी में भी कराऊंगी, अभी बुक में कर रहे हैं, ठीक है। बल्ब्स मेड ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन बल्ब जो बनाए गए वो कितने, 270। बल्ब्स मेड ऑन सेकंड डे 123, और टोटल कितना आ गया, ऐड करके पता चल सकता है, वंस वंस को ऐड करेंगे तो कितना, 3, और 10 वाली वैल्यूज को 7 एंड 2 9, ठीक है, कोई कैरी नहीं है, 2 और 3, 2 और 1 3, ठीक है, ये एडिशन आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ए शॉपकीपर रफी हैड 153 कैंडल्स, पारस गिव हिम 237। शॉपकीपर रफी के पास 153 कैंडल्स थी, जो पारस है ये आया है, ये इसको देने आया, और जैसे सामान देने वाले बंदे आते हैं वो है ये, पारस गिव हिम 237 मोर कैंडल्स, पारस ने उसको 237 और कैंडल दे दी, ठीक है। हाउ मैनी कैंडल्स डज रफी हैव नाउ, अब रफ़ी के पास कितनी कैंडल्स हैं, ये पूछ रहा है, तो 237 और प्लस में 153 को ऐड करना है, ठीक है। ये पूछ रहा है इज द सम मोर देन 400, अब देखिए
200 प्लस में 150 है ना, क्या ये ज़्यादा हो सकता है 400 से, या फिर लेस होगा? वो तो हमें ऐड करके पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए 237 प्लस में 153, वैसे कम ही लग रहा है मुझे, ठीक है। अब देखो 3 and 7 कितना, 10 हो गया, एक कैरी आ गया, यहाँ पे कैरी लगा लेते हैं, ठीक है। कैरी 3 7 10, 0 यहाँ आएगी, कैरी 1 वहाँ जाएगा। 3 and 5 8 8 and 1 9 9 लिखेंगे, ठीक है, 9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया, अब 2 and 1 3 3 लिख देंगे। इस तरह से 390 सम आ गया, जो कि 400 से कम है। वर्क आउट द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स इन द सेम वे, जो नीचे अब और भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको पढ़िए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। रीड ईच प्रॉब्लम एंड से इट इन योर वर्ड्स, गैस द आंसर बिफोर राइटिंग इट, ठीक है। और गैस करना है पहले आंसर लिखने से पहले कि कितना हो सकता है। ए ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरिंग 132 पीपल, अनदर कंपार्टमेंट इज, एक ट्रेन का कंपार्टमेंट 130, कंपार्टमेंट मतलब जो डिब्बे होते हैं, ठीक है, वो उसमें कितने लोग हैं, इज कैरिंग 132 पीपल, वो 130 पीपल को लेके जा रहा है एक कंपार्टमेंट। और दूसरा अनदर मीन्स दूसरा कंपार्टमेंट इज कैरिंग 129, और दूसरा कंपार्टमेंट लेके जा रहा है कितने, 129। इन ऑल हाउ मेनी पीपल आर देर इन बोथ द कंपार्टमेंट, टोटल कितने हैं दोनों कंपार्टमेंट्स में, आप यहाँ करके दिखा सकते हैं 132 and 129, ठीक है, ऐसे करके यहाँ दिखा सकते हैं। 2 and 9 कितना होगा, ये खुद करना है, ठीक है। ऐसे 2 and 9 11 होता है, 1 आ जाएगा, कैरी उधर चला जाएगा, ठीक है। 3 और 2 5 होते हैं, और एक कैरी 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 and 1 2 आ जाएगा, इस तरह से 261 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बस आज इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।